स्वागत है आपका मेरे चैनल मिराकी पैशन ऑन प्लेट में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हाईलाइट देख के आप समझ ही गए होंगे, चना दाल और सोयाबीन की वड़ियों के साथ हम आज एक सब्जी बनाने वाले हैं। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में कोई हरी सब्जी नहीं है और कुछ हमें ऐसा पकाना हो जो जल्दी से पक जाए और टेस्टी भी हो और बिल्कुल समय ना लगे और ना ही उसमें कुछ ज़्यादा झंझट हो। तो उसी तरह की कुछ एक सब्जी है जिसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगी बस मिनटों में तैयार होने वाली ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगी हमारी ये चना दाल और सोयाबीन के वड़ी वाली सब्जी। ये सब्जी हम लोग डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ही बना लेंगे और अलग से दाल को उबालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सरसों का तेल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा पचफोड़न, तेज़पत्ता और हींग, पाउडर हींग भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आधी चम्मच चीनी डाल देंगे और इसके बाद ये देखिए एक प्याज, एक टमाटर और साथ में कुछ हरी मिर्च स्लिट करके रखी थी, सारी चीज़ों को एक साथ डाल के तेज़ आँच पर ही फ्राई करेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट एक चम्मच और इसके बाद एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में एक चम्मच भुना मसाला। भुना मसाला की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, 2-3 दिन पहले ही मैंने डाली है। और इसके बाद ये देखिए चना दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, 100 ग्राम चना दाल है तो इसका पानी फेंक के वो चना दाल भी इसी में डाल देंगे। और साथ ही साथ ये देखिए कुछ सोयाबीन की वड़ियों को मैंने 2 से 3 बार बस धो लिया है, इसे गर्म पानी में डाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में डाल लीजिए नमक और सब कुछ अच्छी तरह से मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे कुछ देर। जब दाल हमारी बॉयल होगी तो सोयाबीन भी साथ में बॉयल हो जाएगी, इसीलिए अलग से उसे गर्म पानी वगैरह में डाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं, बस 2-3 बार धो लीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से सब कुछ फ्राई हो गया। अब डाल देते हैं इसमें पानी, दाल उबल सके इतना पानी आपको ले लेना है। और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कुकर में सीटी लगाने के पहले इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गर्म मसाला, चुटकी भर चीनी और डाल देंगे, साथ में एक चम्मच भर के डाल लीजिए देसी घी और सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए इतना पतला रखा है हमने। और इसके बाद इसको ढक्कन लगा देंगे और 4 सीटी होने तक पकाइए, 4 से 5 भी आप कर सकते हैं। दाल को अगर आपने आधे घंटे भिगो दिया है तो 4 सीटी में भी काम हो जाएगा। और जब सीटी का प्रेशर निकल जाए अपने आप ही निकलने दीजिए। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार है। आपको अगर और सूखी सब्जी चाहिए तो आप थोड़ा सुखा सकते हैं गैस ऑन करके। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इस तरह से सर्विंग बोल में निकाल लिया है मैंने और इस पे डाल देंगे कुछ धनिया की पत्तियाँ और साथ में रोगन। रोगन को डालते ही देखिए कितना अच्छा लुक आ जाएगा आपकी सब्जी में। तो अगर किसी को रिच नहीं खाना है तो बिना रोगन के ही खिला दीजिए और अगर किसी को रोगन के साथ चाहिए तो इस तरह से डाल लीजिए, सब्जी अच्छी लगेगी। रोगन की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, 2 बार मैंने दिखाया है पहले ही, इसीलिए आज रोगन की रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पे जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो न्यू व्यूवर्स आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिल सके। हर रोज़ रेसिपीज़ मैं डालती हूँ अपने चैनल पे। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिनको कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। कुकिंग ही नहीं, बेकिंग रिलेटेड रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलूँगी कल आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेके।